हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और हम भी अच्छे हैं। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है वो हमारे लिए। और मोनू के पापा और मोनू आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पैदल जा रहे हैं, अभी किसी से बाइक मांगेंगे बस्ती में जाके। देख लीजिए, हेलो बोल दो, बोलो बाय बाय, बोल दो बाय बाय। देखो मोनू आज एक बार बोलते ही बोल दिए। और मैं तैयार हो गई हूँ और मनु भी तैयार हो गए हैं, उनके पापा भी। तो नहा लिए हैं हम लोग और अभी जा रहे हैं। तो आप लोगों को रास्ते में मिलेंगे या फिर सीधा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो सोचा था कि वहाँ जाएंगे, जब बेंगलोर में थे तब से सोच लिए थे कि वहाँ पे जाएंगे बोल के। तो आज वक्त आ गया, तो आज सोचे कि चलो चले जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं, तो बस्ती से मामा घर के यहाँ बाइक मांगेंगे, फिर उन लोगों का बाइक लेके जाएंगे। तो फिर आप लोगों को बाद में मिलते हैं, बाय बाय। मोबाइल में तो फ्रेंड देख लीजिए, रोड का व्यू कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा था थोड़ा शूट कर लेती हूँ, इसीलिए शूट कर लिया। काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा है, जंगल है पूरा, इसी रोड से जाना पड़ता है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये जा रहे हैं हम, तो मैं बाइक से ही शूट करी हूँ। देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये धान लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये वाला रोड थोड़ा सा अभी बन रहा है नया, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। देख लीजिए ये रोड है, उधर से आए हुए हैं हम लोग और यहाँ पे एक घर है। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, रुकना अभी। तो कुछ ऐसा सा है मंदिर, देख लीजिए। और ये वाला मंदिर अभी बना है, पहले जब हम लोग आते थे 3 साल पहले तो ये नहीं बना था, तो ये अभी बना है। तो बजरंग बली जी का मंदिर है ये, छोटा सा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, मेरे को लग रहा है छोटा, मोबाइल में छोटा लग रहा हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये मंदिर है और ये क्या बोलते हैं वो बंदुर्गा माँ का मंदिर है। तो देख लीजिए, पहले ये मंदिर काफ़ी छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया। ये पीछे साइड खाना वगैरह प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। ये पेड़ है यहाँ पे, तो मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा सा है मंदिर का जो फ्रंट साइज़ है ये ऐसा सा है, देख लीजिए। तो मैं प्रसाद खा रही हूँ तो बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो ये पूजा वगैरह करने के बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ। और फ्रंट साइड कुछ ऐसा सा है, देख लीजिए। मोनू और मोनू के पापा इधर है, देख लीजिए। ये कुछ ऐसा सा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया है अभी मंदिर। और इधर भी बना हुआ है, देख लीजिए, ये पीछे तरफ ज्योति कक्ष वगैरह। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और एक इस बार ये मंदिर का खासियत एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, जब हम लोग यहाँ पे मन्नत मांगे थे ना तब भी मोनू पैदा हुआ था, नहीं तो नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो देख लीजिए मोनू का मस्ती, मोनू डर रहे हैं। शेरू है, शेरू। तो आपको अंदर जाके अभी दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा सा है अंदर में, तो यहीं चढ़ाया जाता है, देख लीजिए। ये मन्नत का डोरी है, तो मैं इधर साइड से घूम के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे प्रसाद बनता है। और ये मन्नत का डोरी है, इसको एक हफ्ते में एक बार निकाला जाता है शायद तक, जितना मुझे पता है। और ये इसको कुछ बोलते हैं, कुछ नाम है इसका, मुझे नहीं पता, गेरुआ बोलते हैं शायद, छत्तीसगढ़ी में गेरुआ बोलते हैं। और ऐसे नारियल चढ़ाया गया है यहाँ पे पीछे तरफ। तो वो गेरुआ टांगने के बाद में बोलते हैं कि गेरुआ टांगा रहता है तो मन्नत पूरा हो जाता है। तो बोलना नहीं, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमारा मोनू खुद हुआ है। हम लोग जब यहाँ पर मन्नत मांगे थे तो हमारा मोनू हुआ है, तो अभी वो मन्नत हम लोग दिए भी नहीं हैं, तो देना है उसको भी अभी। तो माता रानी सब समझती है,
है नहीं है। और मोनू और मोनू के पापा देख लीजिए इनका, मोनू का मस्ती चल रहा है काफ़ी। यहाँ पे काफ़ी सारा टंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है, काफ़ी लोग आते हैं बहुत विश्वास से, और उनका मनोकामना भी पूरा होता है लोगों का। तो इतना जो कुछ भी है वो दान दिया हुआ है, सब सामान दान दे दे के जोत भी जलाते हैं, तो मैं आपको जोत घर में लेके चलती हूँ अभी। तो कुछ ऐसा सा है, तेल है और ये जोत साथ दिए, हमेशा जलते रहते हैं ये, और प्रसाद है इधर कुछ इस तरीके से है बस मंदिर। और काफ़ी बड़ा ये जितना भी है दान के वजह से बड़ा हुआ है। लोग श्रद्धालु लोग जिनका मनोकामना पूरा होते गए वो लोग दान देते गए। और ये देख लीजिए माता रानी, आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी अपनी मनोकामना मांग लीजिए जो जो भी देख रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गई हूँ, तो मैं घर में हूँ अपने, और मंदिर का आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वो माँ बन दुर्गा मंदिर, और ये पड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ के साकरा के पास में पड़ता है, पीड़दा करके है एक गाँव, और वहीं के पास भक्तकुंदा गांव में पड़ता है ये, और काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। बहुत दूर दूर से अदर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग भी वहाँ पे आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास किया जाता है, और बहुत ही नामी मंदिर है वो, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत नाम है उस मंदिर का। और मैंने जितना सुना है सारे लोगों के मुरादें पूरी होती है वहाँ पर। तो हम लोग भी गए थे, तो मैंने भी पहले मन्नत मांगा था, तो मैंने भी जो मन्नत मांगा हुआ था मेरा भी पूरा हो गया वो। तो दो तीन बार मैंने कुछ मांगा था तो मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे कि मेरे हस्बैंड को उनके घर वाले ने मतलब जैसे पहले रख लिया था, तो तभी भी मैंने मन्नत मांगा था कि वो रिटर्न आ जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब मैंने बोला था, उनका बर्थडे जब आने वाला था तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि मतलब बहुत सारे मंदिर मस्जिद और चर्च, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सभी जगह में मैंने मन्नत मांगा हुआ था। और जब मैं बंदुर्गा मंदिर गई और वहाँ पे जब मन्नत मांगी, तो उसके तीन दिन बाद मेरे हस्बैंड लौट के आ गए थे, और मैंने बस इतना बोला था वहाँ जाने के बाद कि मतलब ढाई महीना मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती रख लिया गया था दूसरे जगह, मतलब किडनैप करके। तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं अकेली हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे, खाने पीने के लिए भी कोई नहीं देते थे तभी। कोला थी वाले को ना, तभी बाबू चिल्ला रहा था सॉरी। तो तभी मैंने वहाँ जाके मन्नत मांगा था, तो बस मैंने इतना बोला था, क्योंकि इतना तक मुझे पता है कि मैं 3-4 तारीख को शायद वहाँ गई हुई थी, नहीं 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 मैं गई थी 20 तारीख को गई थी, और मेरा हस्बैंड का बर्थडे नेक्स्ट मंथ का उसका 12 तारीख को था। तो मैंने उनका बर्थडे को बोला था कि उनका जन्मदिन आने वाला है 12 तारीख को, तो उससे पहले वो कहीं भी रहे तो उनको इतना मतलब समझदारी दो, उनका बुद्धि दो, और उनको इतना शक्ति दो कि वो लौट के आ जाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड 23 तारीख का शाम को लौट के आ गए थे, 3 दिन में मेरा मन्नत पूरा हो गया था। तो फिर जब हम लोगों का मतलब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हमारा उनके फैमिली के साथ में चल रहा था, तो वो सब फाइनल हो गया था, फाइनल हो गया उसके बाद में। फिर बाद में जब वो मुझे लेके बाहर में, जैसे कर्नाटक में अभी मुर्गी फार्म में काम करते हैं, जो कोई नहीं जानते मैं बता देती हूँ, तो वहाँ पर जब मेरे को ये लेके गए, तो उसके पहले हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, और मतलब बोला था मैंने कि मैंने मन्नत मांगा था तो मेरा मन्नत पूरा हो गया। फिर जो भी मैं चढ़ाने उढ़ाने के लिए बोली थी वो मैंने चढ़ा दिया, और मुझे कुछ और 2-3 चीज़ें बाकी है चढ़ाना, जो कि मुझे चढ़ाना है। तो मैं बस मतलब अभी इसलिए गई थी क्योंकि एक कर्ज टाइप का हो जाता है कि कुछ अगर बोले रहो और ना चढ़ाओ तो अच्छा नहीं लगता, मन मतलब ख़राब लगते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है नहीं चढ़ाएंगे, अगर सिचुएशन सही नहीं है तो भगवान भी समझते हैं, तो मैं उसी के लिए भी गई थी। और बहुत सालों के बाद हम लोग आए हैं, 3 सालों के बाद घर आए हैं, तो इसीलिए भी मुझे जाने का मन हुआ। और हम लोग बेंगलोर में जब थे तो तब से सोच लिए थे कि हम लोग जाएंगे बोल के, तो इसीलिए भी मतलब गए थे कि एक बार घूम के ज़रूर आएंगे, जब आए ही हैं तो उतने सालों के बाद आए हैं, तो इसीलिए हम लोग गए थे। और
आप लोग भी अगर छत्तीसगढ़ से हैं या बाहर से हैं, कोई भी आना चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। और साकरा के पास में है, पिरदा करके एक गाँव है, वहीं हम लोगों के गाँव से ज़्यादा नहीं, 10-15-20 किलोमीटर के अंदर में ही है वो। और बनदुर्गा मंदिर भतकुंदा करके है, गांव का नाम भतकुंदा है, तो वहीं पे पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। आप लोग कोई भी अगर कोई परेशानी में है तो आप वहाँ आ सकते हैं, अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और वहाँ हर एक की मन्नत पूरी होती है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे 2-3 मन्नतें मेरी पूरी हुई है। तो हम लोग विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप तो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ऐसा नहीं है, भगवान सब एक है। मैं वैसे मतलब ऊँच नीच नहीं मानती, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड हिंदू हैं, तो मेरे को आगे चल के भी मेरे जो मेरा बेटा है उनको भी वही रीति रिवाज और क्या बोलते हैं उसी से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे हैं तो पापा का सरनेम लिखते हैं, तो पापा के जो धर्म रहता है वो बच्चे का होता है, तो मेरे बच्चे का भी वही होगा। और मैं भी आप लोगों के बोलने पे और आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं भी ऐसे ही रहती हूँ। और आप लोगों को जैसे कि हम लोगों का कंडीशन पता है, तो मैंने मन्नत मांगा है, अभी भी मांगा है कि मुझे इतना सक्षम बना दे कि ज़्यादा, तो मैं मन्नत को भी मैं अपनी बता दे रही हूँ आप लोगों से। बोलते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने वीडियो में ये बात कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे इतना सक्षम बना दे कि मैं अपने फैमिली को अच्छे से रख सकूँ, बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा दौलत की मैं मतलब ख्वाहिश नहीं करती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा दौलत ही इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है, तो उतना हमको नहीं चाहिए, बस इतना कि हमारा घर परिवार घर अच्छे से बन जाए, हमारा घर परिवार अच्छे से चले, बस इतना। और आप लोगों के सपोर्ट भी हम लोगों को अच्छे से मिल रहा है, और जो कोई भी बहुत सारे न्यू लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं तो हम लोगों से क्या बोलते हैं कुछ कुछ सवाल भी पूछते हैं वो, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं और हमारे फैमिली में कोई लड़का नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है इसीलिए, और मेरे हस्बैंड का फैमिली नहीं है, उसके वजह से मेरे फैमिली को देखते हैं, और मेरे हस्बैंड अकेले काम करते हैं, और मैं और मोनू मेरा बेटा जो है वो घर में रहते हैं, और मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो उसी में हम लोग लोन चुकाते हैं और अपने फैमिली को भी देखते हैं, और हम लोग भी वहाँ खाते पीते उसी पैसे से है, मेरे हस्बैंड के जो जॉब का मिलता है मुर्गी फार्म से। तो यही बात आप लोगों को बताना था। तो आज उम्मीद है कि आप लोगों को मंदिर वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया होगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा आज मन हल्का फील हो रहा है। और एक रहता है ना खुशी विश्वास ही सब चीज़ें हैं दुनिया में, तो बस यही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।